हमसे पूछोगे हम कहेंगे जी यीशु मसीह परमेश्वर। आप अपनी बताओगे कोई दूसरा अपनी बताएगा। मैंने अपनी बाइबल को पढ़ा, मैं पंजाबी फैमिली से आया हुआ लड़का हूं, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने समझ लिया इस बात को। मैंने कहा नहीं यार, मुझे शांति मिली इसमें पढ़ के। इसमें लिखा है कि तू मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही परमेश्वर, मैं ही सृष्टि का कर्ता, मैं ही सृष्टि को रचने वाला, मैं स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य को बनाने वाला मैं हूं। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैंने बनाया ये बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की एक में, उसके दो में, उसके तीन में, कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मैं इसको पढ़ता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं कि वो मेरा उद्धार करता, मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए जलाया गया। वो किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं मरा भाई, यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करने के लिए। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। कहीं भी यीशु मसीह ने प्रचार में अपने एक बार भी नहीं कहा मैं ईसाई धर्म की स्थापना करने आया हूं। उसने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने आया। धार्मिकता का मतलब अच्छे काम, साफ सुथरी जिंदगी और पाप के काम खत्म करने के लिए, वैश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए, चोरी झूठ चुगली नफरत वैश्यागमन परिस्त्री गमन व्यभिचार नशा इन सब चीजों को मैं खत्म करने के लिए, और मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए और पापों से आजादी देकर एक नई और एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए। ये यीशु मसीह का वचन जो आज हम दुनिया को देते हैं। जब भी किसी को सुनाई पड़ता है उसके मन को शांति मिलती है और वो यीशु मसीह का भक्त हो जाता है, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते भाई, और हमें करना आता भी नहीं। जिस दिन यीशु मसीह को पढ़ लोगे ना, जिस दिन यीशु मसीह को जान लोगे, बिना कहे यीशु मसीह के आगे सर झुकाओगे। मैं किसी धर्म को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी धर्म को गाली नहीं दे रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ मैं अपना बता रहा हूं जो मैं काम कर रहा हूं, कि यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन, जो कोई मेरे पास आएगा वह प्यासा नहीं रहेगा।